एवरीवन, माय नेम इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टे क्योर के मिनी कंसीलर बेस पैलेट के बारे में। ये 3-in-1 पैलेट है, एनवी बे की पैलेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा था। ये सेम वैसी ही है पर थोड़ा बहुत अंतर है इनके टेक्सचर्स में, इनके प्राइस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यही वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू। सबसे पहले हम करेंगे इसका छोटा सा डिटेल्ड रिव्यू ताकि आप लोगों को पता लग सके कि इसकी पैकेजिंग कैसी आती है, प्राइस कितना है और किस तरीके का ये मिलता है आपको। सेकेंड नंबर पे हम करेंगे इनके स्वैचेस, और स्वैचेस में आप लोगों को बताऊंगी स्किन वाइज कि अगर आपकी डस्की स्किन है, फेयर स्किन है, वेटी स्किन है तो आपको कौन सा कलर पैलेट लेना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये जो स्टे क्योर की मिनी पैलेट की पैकेजिंग है ये कुछ इस तरीके की लेमिनेशन में आता है, ये प्लास्टिक की। तो कुछ इस तरीके से हम इसे सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। ये हो गया है अलग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इसका फ्रंट है, यहाँ पर आपको दिया जाता है शेड नंबर कि ये कौन सा शेड नंबर आप ले रहे हो। साथ में यहाँ पर एक क्यूट सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। इस तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्टे क्योर की बैरस आई गॉट यू कवर्ड बेब कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर पैलेट। तो ये इस कलर करेक्टर पैलेट का नाम है जो कि पूरा है। अब अगर हम इसके बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। और अगर हम बात करें इसके एमआरपी की तो एमआरपी है 375 रुपीज। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल की, और नेट वेट है जो इसका वो है 1.5 × 3 ग्राम्स। तो कुछ इस तरीके से ये आता है आपका। सो अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसको ओपन। इसका अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो ये काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एनवे बे। यहाँ पर आपको फ्रंट में लिखा दिख जाता है स्टे क्योर की बैडेस। और अगर हम इसके बैक साइड में देखें तो ब्लैक कलर है, ये बहुत ही ज्यादा मैटिफाइंग है। और यहाँ पर आपको सेम डिटेल्स मिल जाती है जो कि आपको मिलती है बैक बॉक्स पे। सो यहाँ पर अब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिलती है एक स्मॉल सी ब्रश, और ये काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बैक में रबर लगी हुई है ताकि अगर आप इसको यहाँ पर अटका देते हैं तो ये निकले नहीं। काफी अच्छी है ये ब्रश, और इसका जो ब्रिसल्स हैं वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। ब्रश पर यहाँ पर आपको लिखा जाता है स्टे क्योर की बैलेंस। कलर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमें मिले हैं। ये इसके अंदर हमें मिलता है कॉन्टोर ग्रीन कलर करेक्टर प्लस बेस। सो अब हम देखते हैं कि कौन सी स्किन पर कौन सी पैलेट चलेगी। सो यहाँ पर ये सारे जो शेड है हमारे पास ये है फेयर स्किन के लिए। ये सिर्फ 4 शेड है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, पर अगर हम बात करें टोटल फेयर स्किन के कितने शेड्स अवेलेबल हैं तो वो है 5 शेड। तो अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है नंबर फर्स्ट नंबर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा जाता है फेयर स्किन के लिए। इसके अंदर आपको मिलते हैं दोनों कलर करेक्टर प्लस आपको मिल जाता है बेस। सेकंड फेयर स्किन का नंबर है नंबर 2, पैलेट नंबर 2, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो फेयर टू वेटेस्ट स्किन के लिए है, यानी कि उसको फेयर स्किन वाले और फेयर टू वेटेस्ट स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है 6 नंबर जो कि है फेयर स्किन का, लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसके अंदर आपको मिलता है कॉन्ट्योर प्लस ऑरेंज कलर करेक्टर। तो कुछ इस तरीके का ये पैलेट है। अगर आप लोगों के सिर्फ डार्क सर्कल है, आपका रेडनेस नहीं है तो आप इस पैलेट की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है पैलेट नंबर 11, ये हमारे पास, इसके अंदर आपको मिल जाता है ग्रीन कलर करेक्टर प्लस कॉन्ट्योर प्लस आपको मिल जाता है बेस। अगर हम लास्ट पैलेट की बात करें तो वो है पैलेट नंबर 12, ये भी फेयर स्किन टोन है लेकिन हल्का सा डार्क है एज कम्पेयर टू अदर, और इसके अंदर आपको मिल जाता है कॉन्ट्योर प्लस ग्रीन कलर करेक्टर। तो ये हो गए हैं 5 शेड, पैलेट नंबर 1, 2, 6, 11 और 12। तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं हमारे पास। चलते हैं अपना वेटेस्ट स्किन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेटेस्ट स्किन के लिए तो वेटेस्ट स्किन के टोटल आते हैं 4 शेड, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है वो है सिर्फ 3 शेड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले है ये शेड नंबर 7 जिसके अंदर आता है, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको यूज किया हुआ है अपने मेकअप ट्यूटोरियल में, राधा मेकअप ट्यूटोरियल में। सो इसके अंदर आता है बेस कॉन्टोर प्लस ऑरेंज कलर करेक्टर, ये जाता है हमारा वेटेस्ट स्किन के लिए। नेक्स्ट है हमारा शेड नंबर 8। शेड नंबर 8 में क्या है, इसमें हल्का सा ये डार्क वेटेस्ट स्किन के लिए जाता है,
और अब अगर हम बात करें लास्ट पैलेट की तो ये है 13 नंबर पैलेट, जिसमें कि आपको मिल जाता है ग्रीन कलर करेक्टर कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल कौन कौन से शेड आते हैं तो वो है शेड नंबर 3, शेड नंबर 7, शेड नंबर 8 और शेड नंबर 13 और लास्ट में एक शेड ऐसा है 14 नंबर शेड जो कि विटिश टू डस्की स्किन दोनों पर जाता है, उसके अंदर आपको मिलता है कॉन्ट्योर प्लस ग्रीन कलर करेक्टर। सो ये थे हमारे विटिश स्किन के लिए, चलते हैं अपनी डस्की स्किन की तरफ। सो यहाँ पर बात करते हैं डस्की स्किन की, लेकिन डस्की स्किन के मेरे पास सिर्फ दो शेड है, जो अवेलेबल शेड है वो है 5 शेड। मेरे पास अवेलेबल है एक शेड नंबर 5, जिसके अंदर आपको मिल जाता है ऑरेंज कलर करेक्टर प्लस ग्रीन कलर करेक्टर के साथ बेस। और नेक्स्ट है मेरे पास 9 शेड नंबर, जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसमें हमें मिल जाता है कॉन्ट्योर प्लस ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर हम और बात करें कि और कौन कौन सी पैलेट है जो कि आपको मिलती है डस्की स्किन के लिए या डार्क स्किन के लिए, तो वो है पैलेट नंबर 4, पैलेट नंबर 5। पैलेट नंबर 4 और 5 में आपको दोनों में ऑरेंज और ग्रीन कलर करेक्टर मिलते हैं। पैलेट नंबर 9 यहाँ पर मैंने आपको दिखा ही दी है। और अगर हम बात करें पैलेट नंबर 10 की, तो उसमें भी आपको ऑरेंज कलर करेक्टर प्लस आपको कॉन्ट्योर मिलता है। अब जो लास्ट पैलेट है वो है पैलेट नंबर 15, जिसके अंदर आपको मिलता है कॉन्ट्योर प्लस ग्रीन कलर करेक्टर और साथ ही में ये जो है वो विटिश टू डार्क स्किन के लिए जाती है। यही पैलेट्स हैं जो कि है डस्की स्किन की। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।